अचानक जंगलों से निकलकर गांव में पहुंच गया हाथी। जब अचानक गांव में दिखा हाथी तो गांव के लोग लगे भागने। अब भला हाथी का सामना कोई कैसे कर सकता है? जी हाँ, अगर आपके सामने भी हाथी आ जाए तो भागने के अलावा आपके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाथी का सामना करने की सोच रहे हैं तो ऐसा भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यह सब सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, रियल में नहीं। चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और आसपास के गांव के लोगों को सतर्क कर दीजिए, वरना क्या पता कब और किधर से हाथी आपके सामने आ जाए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यह हाथी कहां से ग्रामीण इलाके में पहुंच गया और आखिर यह हाथी क्या-क्या उत्पात मचा रहा है और किस तरह से प्रशासन इसे भगाने में लगी हुई है। झारखंड के जंगल से बिहार के गया के सीमावर्ती इलाके में एक जंगली हाथी के प्रवेश कर जाने के बाद लोगों में दहशत है। झारखंड की सीमा पर गया के जंगल से सटे आबादी वाले इलाके में जंगली हाथी पहुंचा है। हालांकि वन विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथी घुसा है। जंगली हाथी के घुसने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग की टीम अनाउंसमेंट कर जंगली हाथी को भगाने के लिए कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जंगली हाथी के आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम ने बंगाल से विशेष टीम बुलाई है। बंगाल से पहुंची विशेष टीम जंगली हाथी को भगाने के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। जंगली हाथी को भगाने के लिए वन विभाग की टीम ग्रामीण इलाकों से सटे जंगल में पहुंच गई है और लोगों को अनाउंसमेंट कर सतर्क रहने की भी सलाह दी रही है। वहीं इस मामले को लेकर शशिभूषण चौहान रेंज ऑफिसर बाराचट्टी ने बताया कि हमारी टीम हाथी को भगाने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। हाथी को भगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीम बंगाल से आई है। आज मंगलवार को हाथी बाराचट्टी स्थित प्रतापी पड़िया काहूदाग के जंगलों में देखा गया है। इसे भगाने के प्रयास में वन विभाग के संबंधित कर्मी लगे हुए हैं तथा अनाउंसमेंट कर हाथी से लोगों को बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं जंगली हाथी को देखते ही उसे भगाने की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है। बाराचट्टी के कई इलाकों में जंगली हाथी देखा गया है। बाराचट्टी थाना अंतर्गत प्रतापी पड़िया काहूदाग कोहवारी के जंगल में जंगली हाथी को देखा गया है। दो तीन दिन से यह जंगली हाथी गया के इलाकों में आतंक मचाए हुए है और फतेहपुर गुरपा मोहनपुर बाराचट्टी के जंगल वाले इलाके में यह पहुंच रहा है। तो आप इस तस्वीर को एक बार गौर से देख लीजिए कि किस तरह से हाथी टस से मस नहीं हो रहा है, बल्कि एक स्थान पर खड़ा है। वहीं जब गांव वाले वहां से हो हल्ला मचाते हैं तब हाथी कुछ देर के लिए आगे बढ़ता है और वापस से फिर गांव वाले को खदेड़ने लगता है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर प्रशासन भी पहुंची हुई है। वहीं हाथी जब बार बार प्रशासन को देख रहा है या फिर मौके पर मौजूद लोगों को देख रहा है तो उसकी तरफ बार बार आक्रमण की नियति से आगे बढ़ रहा है। इसे देखकर वहां पर मौके पर मौजूद लोग भागने लगते हैं। कोई हो हल्ला मचा रहा है, कोई सिटी बचा रहा है, जिससे हाथी कभी कभी उग्र रूप भी ले रहा है। बाकी वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। अरे 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 अरे।